हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेके आए हैं, कैसे आप अपना कैरियर ऑप्शन चूज़ करें। तो हमने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें आप 10th पास करे हो या 12th होम साइंस से पास करी है, पी सी बी बी से या पी सी एम बी से या पी सी एम से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस चार्ट में। हमने आपके लिए बहुत बढ़िया चार्ट बनाया, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो 10th के बाद 3 साल का होता है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, गौर सिविल के लिए होता है, डिग्री इंजीनियरिंग के लिए होता है, और RTO इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम होते हैं। 3 साल के कोर्स होते हैं ये सब। इनसे पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। आप LIC के एजेंट बन सकते हो, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, पुलिस, रैप एग्ज़ाम होता है कॉन्स्टेबल के लेवल के, नेवी के, सोल्जर के, 10th पास के लिए। आर टीचर का डिप्लोमा करना चाहते हो, आई टी आई कर सकते हो आप। 2 साल की होती है वो भी। रेलवे टिकट कलेक्टर बन सकते हो, TC, कॉमर्स क्लर्क एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, पर बच्चों को पता ही नहीं होती क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो हमने आपके लिए चार्ट बनाया है। तो चलिए अब 12th का देख लेते हैं। जिन्होंने होम साइंस से या कॉमर्स से या आर्ट्स से करी है, तो कॉमर्स वाले डिप्लोमा कर सकते हैं, ट्रैवल टूरिज्म का, LIC एजेंट, वो जो 10th के लिए, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टूअर्ड का रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, CA का, CS फाउंडेशन का, BCom कर सकते हैं, BCA, BArch, DED कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, बैंक में नौकरी लग सकती है उनकी, इंश्योरेंस सेल्स में बन सकते हैं, LLB कर सकते हो आप, 2 साल का कोर्स है, CA का भी 2 साल का कोर्स है, BEd MEd टीचर लाइनिंग में जाना है तो ये 2 साल का कोर्स है, बैचलर लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरियन बनना है उसके लिए भी 1 साल का कोर्स है, BA, कुछ BCom करने के बाद। डिप्लोमा करना चाहते हो आप, कोई सॉफ्टवेयर जॉब करना चाहता है वो भी BCom करके कर सकता है। अब आर्ट्स वालों के लिए भी बहुत सारे सेम चीज़ सेम है, बस इसमें फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा और इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा, ये अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। और अब साइंस के लिए बात करते हैं, तो जो PCM भी करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, BSc कर लो, उससे उसके बाद 4 साल की BSc होगी, फिर MBA कर लो, या फिर बैचलर ऑफ प्राइमरी MBA कर लो, मास्टर इन प्राइमरी, BTech कर लो, BSc कर लो बायो से। और अब PCB की बहुत सारी चीज़ सेम है, और यहाँ पे आप बस देख तो रहे हो, आप देख लेना हो। अब हम PCM की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे वो हैं हमारे पास ऑप्शंस। तो NDA लेवल की जॉब कर सकते हो, नेवी की, आर्मी की, एयरफोर्स की, 3 साल का NDA एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है बस। तो देखिए, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, फिल्म लाइन में जा सकते हैं, डिप्लोमा होता है 2 साल का। और आप जैसे डिप्लोमा करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, पॉलिटेक्निक का, किसी का भी, तो आप को 1 साल की छूट मिलती है वहाँ पे, से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में, और उसके बाद BTech करेंगे तो वहाँ पे सेकेंड ईयर में होगा, फिर से 1 साल की छूट मिलेगी आप। तो देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जो मैं भूल गया हूँ वो अब आराम से देखिए चार्ट को, बहुत मुश्किल से बनाया है ये चार्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।